पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल गांव बादल पहुंची और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की बीमारी में सरकार हर तरफ से फेल साबित हो रही है और ना ही इस दौरान कोई टेस्टिंग करवाई जा रही है। दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और यहां से अगर अकाली दल इकट्ठा होंगे तो उन पर मामला दर्ज होगा। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सरकार कैप्टन साहब दे फार्म हाउस वाली सियासत जड़ी है उन्हें बिल्कुल पंजाब दा नास मार के रख देता है। हुण कोविड की लड़ाई जिथे साल पूरा हो गया हैगा इस साल च आपां देखिया कि बिल्कुल लोगों नूं अपने हाल च छड़ता। हालांकि हज़ारा करोड़ रुपए सेंटर तो आए ने हर सूबे नूं कोविड की लड़ाई वास्ते। इत्थे मेरा ख्याल पिछली साड़ी कमेटी की मीटिंग से तकरीबन 850 तो वेंटिलेटर ही भेजे गए सी ते हुण सेंटर की जे तुसी रिपोर्ट देखो जिहड़ी साफ तौर से दसदी है कि किवें पंजाब च टेस्टिंग सब तो घट हैगी इत्थे वैक्सीनेशन भी बहुत घट है। कोविड देश से सब तो वध स्पीड नाल पंजाब च वध रहा है ते हस्पतालां दा कोई इंतजाम ही नहीं है। जे वेंटिलेटर मशीन हैगी तो वेंटिलेटर चलाण वाला कोई टैक्नीशियन नहीं हैगा। जे कोई टैक्नीशियन हैगा तो उहदे नाल उहनूं तनखा नहीं मिली हैगी। सो हर पक्षों अज कैप्टन साहब की फार्म हाउस की सरकार जिहड़े फार्म हाउस तो बाहर ही निकले खुद मुख्यमंत्री जे आइसोलेशन साल की चार साल तो आइसोलेशन च मुख्यमंत्री रहूगा तो किवें लोगों के हालात की ने। रोज़ उत्थे फार्म हाउस तो शाही फरमान जाहिर हो जाता है। हुण फरमान जाहिर होया कि कोविड बढ़ रहा है जिदे करके एक बार फिर लोग कट नहीं कर सकते लोगों के विआह शादियाँ धार्मिक फंक्शन। मतलब एक पासे तो तुसी देखो देश की सरकार किन्ने सूबिया चे इलेक्शन चल रहे कांग्रेस पार्टी वड्डे वड्डे कट कर रही दूजे पासे दूजे सूबिया चे कुंभ चल रहा है लेकिन कैप्टन साहब ने ऐलान करता कि ना धार्मिक गैदरिंग हो सकती है ना सियासी गैदरिंग हो सकती। 1 तरीक नूं खरीद शुरू हो गई है इत्थे 10 तरीक ताईं कह दिता गया। क्यों आपां देखिया बठिंडे चे किन्ने ट्रकां दे ट्रकां नाल दे सूबिया तो आ रहे ने ताकि उन्हां दी पहले बिक्री हो जाए तो जिन्हां लीडरां ने मुनाफा कमाना है वह आपकी जेबा भर लैन। उहदे बाद साडे किसान जद पहुंचे ने खरीद तां की बारदाने ही नहीं हैगे। ये बारदाने मैनू 1.5 महीना पहले पता सी कि सरकार नूं नहीं पता सी ते मैं आ पुछना चाहती हाँ कि जे मेरे वर्गे अनाड़ी नूं पता है कि जे बारदानिया की डिमांड 4 महीने पहले सूबे नूं चिट्ठी लिख के भेजनी होंदी है कि इन्ने बारदाने सानूं चाहिए ने ये सरकार चिट्ठी तो दिखाए कि तुसी लिखी कदों है। हकीकत आ है कि हुण जद रौला पिया जद घाट कमी हुई है हुण बारदानिया वास्ते भज नट कर रहे थे जिहड़े सूबे तो ये बारदाने बंगाल तो आते हैं उत्थे इलैक्शन उत्थे किसी ने सुनना ही नहीं है। जिहड़ा काम 4 महीने पहले सारे सूबिया ने करके बंद हो जाते उहदे बाद बारदाने मिलते नहीं। इस सरकार ने 4 महीने सुती रही अज तक सुती हुई अज मौसम की मार करके किसान की फसल खड़ी है। पहले मौसम की मार हुई किन्ना नुकसान होया झाड़ के उत्ते हुण मंडिया च फसल पई हुई है बारदाना नहीं हैगा। किसान अपनी फसल भेज के अपने घर जाना चाहता हैगा उहदा कोई फसल चक्कन वास्ते ना कोई इंतजाम हैगा क्योंकि बारदाना ही नहीं हैगा। सो सीधी अतैकी की तो जिहड़ी मुसीबत होनी हैगी इस तो वड्डी मुसीबत बारदानिया की होनी हैगी। उहदे बाद जिहड़े अपने ठेके से जमीन लैके जिहड़े करदे उहनां दी सीधी अदेखी कित्थे होगी अपने आड़तीए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं।